तो ये है अपनी लैंड रोवर डिफेंडर। और जिन लोग को इस गाड़ी के बारे में नहीं मालूम ना, वैसे तुम्हें लुक से ही आइडिया लग गया होगा कि ये एक प्रॉपर ऑफ रोड कार है, बड़ी एक नॉर्मल ऑफ रोड कार नहीं भाई, ये ऑफ रोड कार की किंग है। अगर ये गाड़ी इस लेवल को पार नहीं कर पाई तो फिर कोई नहीं कर पाएगा भाई। चलो लेट्स गो, गाड़ी रेडी हो चुकी है, फटाफट से गियर अप करते हैं, स्टीयरिंग पे हाथ बैठाते हैं और गाड़ी को भगाते हैं। ओ वेट, ये रिवर्स पे थी, सॉरी भाई, रिवर्स पे क्यों चला रहा हूं मैं, ड्राइव पे डालते हैं और आराम से भी गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं। मुझे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, मैं एकदम आराम से जाने वाला हूं। ऑफ रोडिंग में तुम्हारा भाई माहिर है, मैंने GTA 5 में बहुत ऑफ रोडिंग करी है तो यहाँ पे भी करूंगा। गाड़ी को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके ले जाएंगे ताकि नीचे से ना टकराए, क्योंकि ना मुझे गाड़ी को एकदम कम से कम डैमेज करके पूरा आगे तक लेकर जाना है। अभी थोड़ा बहुत लाइट यहाँ पर ऊपर खबर रास्ता स्टार्ट हुआ है, ठीक है तुम्हारा भाई पार करा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम आराम से लेफ्ट करते हैं फिर। ओ वेट भाई, स्टीयरिंग अपने आप भाग रहा है राइट लेफ्ट, भीड़ी गाड़ी भाई, पीछे से गाड़ी थोड़ी भीड़ी है, बट इस कोई भी डैमेज नहीं हुआ, काफी तगड़ी कार है मजबूती में भी। लेट्स गो भाई, यहाँ से हमने गाड़ी निकाल दिया, पीछे का रास्ता बहुत ही सीधा पार कर दिया, फटाफट से गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं और यहाँ से मुझे ऊपर लेकर जाना है एकदम प्यार से। यहाँ से गाड़ी चढ़ा दी और यहाँ से भी लेकर जाना है और ऊपर। भाई ये क्या, मैं मैप आगे चल के थोड़ा बहुत अजीब सा नहीं लग रहा तुम लोग, बट ठीक है मुझे, मैं कर दूंगा, पर टेंशन वाली बात नहीं, आराम से यहाँ से गाड़ी। अबे एक सेकंड, ये कैसा रास्ता था, ये 4x4 कार है, मतलब चारों टायर से रेस जाएगी, बट एक ऐसी पोजीशन पे आके हिट किया कि गाड़ी ना आगे बढ़ रही है ना पीछे आएगी, पीछे भी नहीं आ रही भाई। अभी मैं क्या करूँ, टायर मोड़ने का ट्राई कर सकता हूँ या फिर इधर को कुछ तो हो भाई, गाड़ी तक गई यार, ये लेवल ने इस गाड़ी को अटका दिया भाई। यहाँ पर ऊपर आ रहा है कि इंजन ऑयल निकलने लग गया गाड़ी का, तो अभी मैं क्या करूँ, मैं ना खाई में गिर सकता हूँ ना मैं कुछ कर सकता हूँ, पूरी रेस दे रहा हूँ भाई, गाड़ी पूरी जमीन घिस देंगे, पर कुछ नहीं होने वाला क्योंकि भाई सच में मैप का ना कुछ ठीक है। 3, 2, 1, गाड़ी को थोड़ी सी तेज स्पीड में बढ़िया, ओह इसीलिए नहीं कुदा रहा था मैं, बट ठीक है गाड़ी ने वो जगह पार कर लिया। वो देखो आपको पीछे टायर के निशान दिख रहे होंगे जहाँ पे पहले गाड़ी हटकी थी, बट इस बार मैंने गाड़ी का ना फ्रंट बम्पर फोड़ डाला है, तो यहाँ पर बस आराम से दोबारा निकालना। ये भी वैसी सी जगह अटक सकती है, नहीं 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 आगे बढ़ बढ़िया कुदा दी थी भाई, सही है। मैं ऑफरोडिंग में अच्छा तो हूँ, बट इतना भी अच्छा नहीं कि गाड़ी को सही सलामत निकाल दूँ, थोड़ी बहुत तोड़ा फाड़ी कर दी, बट ठीक है पीछे के ऑब्स्टेकल तो हमने पार कर दिए, आगे वाले ऑब्स्टेकल में बस थोड़ा सा ड्राइविंग स्किल के ऊपर बात आ जाती है। ये भी वैसे मैंने पार कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लो भाई ईजिली। अब आगे के रास्ते में ये क्या है भाई, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं अपनी। अरे ऐसा क्या हो गया भाई, इधर गाड़ी रुक गई यहाँ पे, ओ फ्रंट बम्पर डैमेज था, यहाँ पे आके भिड़ के चूरा हो गया और वही अटक रहा है। रुक जाओ, गाड़ी रिवर्स करूंगा, ये इसको हटाना पड़ेगा, मुझे अपनी गाड़ी से तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मेरी गाड़ी का पार्ट होगा ना तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। मैंने बताया था ना इस गेम की फिजिक्स, इसके मैकेनिक्स बहुत रियलिस्टिक है। ये क्या हो रहा है भाई, डिफेंडर ही है ना भाई, एक सेकंड, ऐसी कहां भिड़ रही है गाड़ी जो ये सब टूट गया, एग्जॉस्ट पाइप ही निकल गई भाई। वेट वेट वेट, बस ये वाला ऑब्स्टेकल पार हो जाए, गाड़ी की बैंड बच गई भाई यहाँ पे, तो मुझे तो मालूम भी नहीं है नीचे से कौन सा पार्ट निकला, इसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, कब तक चलेगी कुछ नहीं पता, बट ठीक है स्टेज 1 एक बारी पार हो जाए, स्टेज 2 में थोड़ा आराम से ध्यान रखूंगा। यहाँ से गाड़ी को लेफ्ट वापस ऊपर, भाई ये चूरा हो जाएगी गाड़ी पूरी, पीछे का बंपर भी गया, फ्रंट बम्पर गया ही था, रियर बम्पर की भी बच गई और अभी आधे से ज्यादा मैप बचा। लेट्स गो भाई, गाड़ी को लेकर ऊपर तक तो आ गया हूँ, यहाँ से रास्ता ठीक है, यहाँ तो चढ़ जाएगी यार, कोई टेंशन नहीं है। यस मैं सच बता रहा हूँ, रियल लाइफ में अच्छी ऑफ रोडिंग कर लूंगा, इससे पता नहीं वैसे। कैसे रस्ते हैं यार, एक मिनट थोड़ी सी गाड़ी रिवर्स करनी पड़ेगी, वापस आगे लूंगा भाई। मेरे को तो ऐसे लग रहा है डिफेंडर वैगनार बन के जाएगी आज, इतनी ज्यादा टक्करें हो रही हैं। चलो लेट्स गो, थोड़ा सा और रास्ता रह, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा रह गया अभी। चुपचाप लेफ्ट से उतारता हूँ और एकदम आराम से, इसके ऊपर टच नहीं होनी चाहिए, इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट पे टच हुई ना गाड़ी कूद जाएगी भाई प्रॉपर रैंप की तरह। बाकी ठीक है, स्पीड डाउन करनी है, पीछे का शीशा कब टूटा मुझे नहीं मालूम, बट हाँ अभी आगे का रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो मेरे पास ऑप्शन है वैसे, या तो मैं गाड़ी को लेफ्ट से उतार के ले जाऊं या फिर सीधे रास्ते पे मेंटेन करके चलाऊं। मेरे हिसाब से मैं मेंटेन करके अच्छी चला लूंगा क्योंकि टायर वगैरह ना अभी सीधे है, तो एकदम आराम से उतरी है गाड़ी, ओ नहीं उतरी, थोड़ा थोड़ा आगे, बस 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 बस, 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 बस। एकदम आराम से ना, पहले मुझे सेंटर लाना है, गाड़ी देखो एकदम सेंटर में है, चारों तरफ से चेक कर ली जाए। यस अब बस इसे धीरे धीरे लेके चलते हैं, एकदम गाड़ी को चारों तरफ से देखता हुआ। भाई ये गेम हॉरर गेम है क्या यार, नीचे मत गिरियो प्लीज, बहुत आराम से चलाऊंगा मैं। काश डिफेंडर थोड़ी सी और चौड़ी होती, नहीं यार वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्रॉड कार है, उसको मैं चौड़ी होने की क्या ही बात कर रहा हूँ। पता है एक्चुअल में ना मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग टेढ़ा हो चुका है, क्योंकि रियल लाइफ में मैंने स्टीयरिंग राइट करा हुआ हल्का सा, तब गाड़ी सीधी जा रही है, इसका मतलब व्हील अलाइनमेंट्स खराब हो गए हैं गाड़ी के, भिड़ भिड़ के ठुक ठुक के। ठीक है यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, मेरे को पानी में नहीं गिरानी, गाड़ी भगा लेता हूँ, बस 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 ब्रेक ब्रेक, अभी थोड़ा सा चिल करते हैं। आगे का रास्ता एक डोनट है, मतलब गोल राउंड एरिया है, उसमें मुझे गाड़ी को ले जाना जो कि कर सकता हूँ, ऐसे देखने में डेंजर लग रहा है बट एक्चुअल में नहीं है, बस नहीं नहीं वो भाई ऊपर आ ऊपर आ ऊपर आ प्यार से, हाँ बहुत सही भाई, ये बड़ी खतरनाक गेम है यार, मेरे को लग रहा था मैं ड्राइविंग में अच्छा हूँ तो डेथ रन चाहे कोई भी मैप आ जाए मैं पार करा दूंगा। ऊपर चल भाई, एक सेकंड मुझे नहीं मालूम ये गाड़ी किस पोजीशन में आके अटक गई है, बट जो भी है मुझे इसे यहाँ से निकालना है और मैं नहीं चाहता गाड़ी नीचे जाए भाई, नहीं यार क्या यार, कोई बात नहीं होता है कभी, मैंने इसे रिस्पोन करा गाड़ी को, इस बारी कोई 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 गड़बड़ नहीं करनी, गाड़ी को बस खुदा के ऊपर लेके चलते हैं भाई, डिफेंडर के बस की है, मैं खाली पीली डरा हुआ था, मुझे बस रेस देनी थी फुल स्पीड में यार, मैं चाह नहीं रहा था अपनी गाड़ी एक बार भी गिरे और हम लोग इस मैप में दो बारी अटक गए, बट ठीक है अपना फर्स्ट टाइम था, मैं काफी टाइम बाद ऑफ रोडिंग करने आया हूँ, तो आराम से निकाल देंगे इस गाड़ी को यहाँ से भी बिल्कुल प्यार से। लेट्स गो,
थोड़ा सा रास्ता रह गया और हमने समझ लो स्टेज वन को पूरा क्लियर कर दिया है। चलो यहाँ से मोड़ के वापस ऊपर, डन गाइस, समझ लो इस लेवल को तुम्हारे भाई ने कंप्लीट कर दिया। यहाँ से लेफ्ट लेना, खाई ना आ जाए अचानक से या फिर कोई ब्लॉक ना टूट जाए तो मुझे इस लेवल को कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता। लेट्स गो भाई, इसी के साथ हमने कर दिया स्टेज वन पूरा कंप्लीट। चीज डिफेंडर, तो ये था इसका लेवल वन, अब बारी है लेवल टू पे चलने की।